प्रकोष्ठक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम क्षेत्र के गांव दोंगड़ा अहिर के अंदर हैं। यहां पर हरियाणा लाइंस डिफेंस एकेडमी जो है, यहां पर एक सम्मान समारोह, इस गुड़िया का जो आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ जो खड़ी हैं, बहुत सारे इनके साथ और भी व्यक्तित्व जो हैं, शख्सियत जो हैं वो खड़ी हैं, इनसे हम मिलवाएंगे। यहाँ इनका एक सम्मान समारोह हुआ है, क्यों हुआ है इनसे जानेंगे, और ख़ास तौर पर बधाई की बात है, ख़ास तौर पर क्षेत्र की बेटी ने नाम रोशन किया है और आगे ये किस तरह के गेम में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, तो ये सभी सवाल जवाब करेंगे उपस्थित जो भी शख्सियत इनसे, और जो रचना इनका नाम है इनसे भी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर, आप लोगों का स्वागत है जी। बेटा, क्या नाम आपका? रचना। रचना, क्या अचीवमेंट हासिल किया आपने? अभी मैंने बेंगलोर में ट्रायल में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। अच्छा अच्छा, तो अभी ट्रायल था, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होगी उसके अंदर फाइट करेंगे, कौन से गेम के लिए आपने क्वालिफाई किया? 10 किलोमीटर रेस वॉक के लिए सर। किंग के लिए आप जा रहे हैं, इससे पहले भी आपने कभी ट्राई किया है? यस सर, 2-3 बार नेशनल जीत चुकी हूँ। अच्छा, 2-3 बार नेशनल जीत चुके हैं, और वर्ल्ड के लिए ट्राई किया था? पिछले साल किया था, बट पासपोर्ट नहीं था। अच्छा, इसी वजह से। अच्छा, उस समय जैसे इस तरह की जैसे टेक्निकली कहीं ना कहीं ये कमी रही, तो टेक्निकली कमी की वजह से आपका हौसला बुलंद रहा, आप हारे नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा आपने फिर? यस सर। कैसी इंस्पिरेशन मिली इस तरह की? पापा ने कहा कि पासपोर्ट बनवा देंगे, बट प्रैक्टिस जारी रख, आगे भी बहुत मौके आएंगे, और इससे आगे भी आएगा अभी। अच्छा, तो मौके तो आगे पड़े ही हैं आपके लिए। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप? मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी सर। अच्छा, 12th। अभी कॉलेज में हैं? नहीं, कॉलेज करूंगी सर। अच्छा, कॉलेज करेंगे। अच्छा, तो मतलब मेन जो फोकस है वो स्पोर्ट्स की तरफ है, अभी पढ़ाई की तरफ नहीं है। आपके पापा आपके साथ ही हैं, इनसे बातचीत करेंगे जी। मैंने सुना यहाँ पर, जब हम यहाँ पर आए तो लोगों ने बताया कि आपने अपने घर पर ही, अपने क्षेत्र पर ही ग्राउंड वगैरह बना रखा है, वहीं पर आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को? हाँ, हमारे घर के बिल्कुल पास में जो हमारा ही खेत है, उसके अंदर मैंने मतलब पेंशन आने के बाद में ये बच्चों को खेलने कूदने के लिए, मगर थोड़ा बहुत फिट हो जाएंगे, तो उस हिसाब से मैंने वो ट्रैक तैयार किया जी। फिर ये धीरे धीरे इनका खेल में रुचि बढ़ा, तो फिर इन्होंने जैसे खेल में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दिखानी शुरू की, मैंने इनको उसी काम में लगा दिया। अच्छा। और फिर ये अच्छा रुचि लेने लग गए, खूब पसीना बहाने लग गए, तो फिर गांव वालों को भी भरोसा हो गया, ये भाई कुछ करेंगे जी, सही देश के लिए। फौजी लगा रहता है काम में, मैं आर्मी से रिटायर हूँ साहब, 17 साल नौकरी करके हॉलदारी से पेंशन आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे फादर भी फौज से रिटायर हैं, देश की सेवा करी है, सूबेदार भरपूर सिंह। तो आपने अभी जैसे मैं यहाँ पर था तो आपने एक भाषण में ये भी कहा कि आप लोगों ने लड़ाई भी लड़ी है। हाँ, लड़ाई लड़ी है, कारगिल की लड़ाई के उस टाइम मेरी 2 साल नौकरी थी, कारगिल की लड़ाई हुई थी उस टाइम पर, तो नया जवान ही था मतलब, रिक्रूटी निकाल के और कसम खा के और उधर कारगिल में पहुंचे थे। अच्छा। तो फिर उधर आगे कर दिया फील्ड में, तो उधर दिन रात का करीब मैं 1-1.5 महीने में तो नहाया था, इतना अच्छा, बुरा हाल था कि बस बता नहीं सकते जी। मतलब नहाना धोना कुछ नहीं, दिन रात दो फायरिंग, कभी कुछ कभी कुछ। अब तो बच्चे नाम कर रहे हैं आपका। हाँ जी, थैंक यू बोले, बहुत बच्चे ही करेंगे जो कुछ करेंगे जी, वो जी। अच्छा, मेहनत करवा रहे हैं उनको फुल, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और भी अच्छा करे अपने क्षेत्र के लिए। और बहन भाई, इसका भाई है गुलशन छोटा, 13 साल का, वो इसके साथ दौड़ वगैरह करता है, और इसके आगे भी दौड़ता है, कभी पीछे भी दौड़ता है, ये मतलब उसको हरा देती है कभी वो इसको, तो मतलब उससे कंपटीशन बन जाता है, मतलब अच्छा, जो कहीं ना कहीं जैसे वो कमी है, वो दूर करता है। दूसरा जो चैंपियन जो चाहिए प्रैक्टिस है, तो वो तैयार कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, आप अपने इस क्षेत्र से हैं, देखो साउथ हरियाणा में हम हैं, दादरी यहाँ से दूर नहीं है, दादरी के अंदर जो गांव है बलाली, वहाँ पर एक दंगल जैसी मूवी बनी थी, तो वहाँ गीता बबीता फोगाट की अपने आप में एक मिसाल बन गई, तो क्या यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं आप बाप बेटे की जो जोड़ी है, इससे की रचना और आपका नाम आगे फिर छाएगा? हाँ, मैं बिल्कुल अपने क्षेत्रवासियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक दिन इतनी मतलब बच्ची से इतनी मेहनत करवा रहा हूँ कि अपने क्षेत्र का हर हाल में नाम रोशन करेगी, ये वादा है। हम सभी ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह का हो, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर भी, देखिए देश के अंदर जैसे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल लाकर नाम रोशन किया देश का, ऐसे बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं, आपने हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर और भी देखा होगा, 2 दिन पहले भी हमने एक पलवल शहर के अंदर एक
शहर नहीं, शहर से थोड़ा दूर ईंट भट्ठे पर एक टैलेंट का दिखाया था कि एक बच्चा 5 साल का किस प्रकार से कलाबाजियाँ करता है। और टैलेंट कहीं पर भी हो सकता है, हमारे क्षेत्र के अंदर पहले भी हैं, हमारे क्षेत्र ने पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे गीता फोगाट और अन्य और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हरियाणा में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। तो हरियाणा के अंदर और ख़ासतौर पर अब साउथ हरियाणा के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ कम खिलाड़ी निकलते थे, ऐसा था। एजुकेशन का हब तो है हमारा क्षेत्र, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाप बेटी के द्वारा मेहनत तो की जा रही रचना और इनके परिवार के द्वारा, लेकिन जब भी कुछ इस तरह के अचीवमेंट्स हासिल होती हैं तो एक व्यक्ति विशेष की उसमें एफर्ट्स तो होते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे सहयोगी लोग होते हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़पॉइंट पर। थैंक यू सर। सर बताएं, ये जो अचीवमेंट है आपके माध्यम से और आप किस तरह प्रकार की इनको मेहनत करवा रहे हैं? सर एक्चुअल में क्या है कि मेहनत इनकी है जी। और मैं जब से मैंने जिला एथलेटिक्स संघ का कार्यभार संभाला है, लगभग मुझे 10 साल हो गए, तो मेरे ज़िले से जो एथलेटिक्स के जो रिजल्ट आए हैं, हमने 2 बार के जो ओलंपियन हैं संदीप पुनिया, आपने देखा होगा रियो में गए थे और अब फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ऐसे ही जो रचना बेटी है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुई है। तो ये जिला एथलेटिक्स संघ के सभी पदाधिकारियों की और साथ में इनके पेरेंट्स की और बच्चों की लगन के सभी का ये रिजल्ट है जी। बहुत अच्छी बात है। अब ये जो गुड़ियां हैं आगे किस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली? इसका जो गेम है वो वॉक है जी। वॉक के अंदर ये अभी जो है बेंगलोर में हुई है, 12 फरवरी को जो वॉक कंपटीशन हुआ है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल लिए हैं। तो ये अभी मार्च में वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओमान में आयोजन है और वहाँ इनको अपनी प्रतिभा दिखानी है जी। अच्छा, एक कुछ आप विशेष बात, जैसे आप जिला संघ पदाधिकारी हैं तो खास तौर पर हमारे जो दर्शक हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छी रुचि रखते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता उचित, क्या कहेंगे, कैसे वो आप लोगों से जुड़ सकते हैं, कैसे वो क्वालिफाई वगैरह करके आपके माध्यम से आगे तक जा सकते हैं? हम समय समय पर जो हमारा कैलेंडर है, स्टेट कैलेंडर है जो हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन का है, कि समय समय पर जो कॉम्पिटिशन होने हैं उनको हम न्यूज़पेपर के माध्यम से और दूसरा हम फोनिकली भी हम सोशल मीडिया पर भी हम लोगों को बताते हैं कि भाई यहाँ डिस्ट्रिक्ट होनी, आपके दोंगड़ा अहिर में भी हमने डिस्ट्रिक्ट करवाई थी पीछे, उसमें भी काफ़ी बच्चे गए थे यहाँ से, तो हम मैसेज कन्वे करते हैं। और मैं कहता हूं कि बच्चों को गेम जरूरी है, एक तो हेल्थ के लिए जरूरी है, दूसरा नशे की वो आते हैं और अपना टाइम है वो सही स्पेंड कर पाएंगे तो वो सही भी रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी ग्रामीण में भी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं साहब, आप स्पोर्ट्स मैन रहे हैं, वेद प्रकाश आर्य जी जो हैं क्षेत्र से ही हैं, इसी गाँव से हैं, तो बताएँ सर इतनी उपलब्धि के बारे में, इसी उपलब्धि ये जी मैं पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। हमारे बीच हरियाणा लायंस क्लब ने, एकेडमी ने जो बेटी रचना को जो मोहनपुर से हैं और 18 साल की हैं और 10 किलोमीटर वॉक में इन्होंने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है और आज सारे लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते। और इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे अभी आपने उदाहरण दिया था महावीर पहलवान का और गीता बबीता का, ठीक उसी तरह से उनके पिताजी आर्मी के गुण जो कि कारगिल के भी योद्धा हैं और किसान भी हैं, और ये बाप बेटी यानी पिता और पुत्री वही जोड़ी बनने जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि महावीर पहलवान और गीता बबीता की तरह ये पिता पुत्री रचना नाम करेगी और इलाका जो है वो आगे सबके सामने खुशी जाहिर करेगा कि इस इलाके में ऐसी प्रतिभाएं पैदा होती जी। तो मतलब जैसा कि आर्य साहब ने बताया, दंगल 2 की तैयारी हो रही है, सीधी सी बात यह है। और अच्छा सौभाग्य है हमारा कि हम लोग जो है ना रील की बजाय रियल जो एक्टिविटी है उसको देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार है, संजय घोड़ा के नाम से जानते हैं। मैं नाइस एथलेटिक्स कोच हूँ, मैंने साई पंजाब से पटियाला से मैंने कोर्स किया है, मैं भी एक नेशनल प्लेयर हूँ, मेरा भी नेशनल क्रॉस कंट्री में मेडल है, एक ब्रॉन्ज मेडल है, एक गोल्ड मेडल है। किसी कारण मैं इंटरनेशनल नहीं गया, मेरा भी मलेशिया में सिलेक्शन हुआ था लेकिन किसी कारण डॉक्यूमेंट्स वगैरह के कारण मैं रह गया था। तो उसके बाद में मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तैयारी करता हूँ और बच्चों को भी करवाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपने आपकी एकेडमी ने यहाँ पर जैसे इस बच्चे का सम्मान समारोह किया? हमारे ये जो रचना है हमारी छोटी बहन है, हम यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोई भी बच्चे निकलते हैं या कोई भी करते हैं हम उनको पूरी सपोर्ट देते हैं, हमारी इधर हम छोटे बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं हमारे यहाँ पे? जैसे कि स्पोर्ट्स के बच्चों की अलग से तैयारी कराई जाती है और नेवी एयरफोर्स और आर्मी, ये अच्छा। डिफेंस की हम स्पेशल तैयारी करवाते हैं आर्मी की भर्ती के लिए, ओपन भर्ती के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसे
भरे पड़े हैं, क्योंकि अगर हम सीनियरिटी से बात करें तो जो आर्य जी हैं ये खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बाकी फिर स्पोर्ट्स सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए हैं। एक अच्छी बात, हमारे क्षेत्र के अंदर इस तरह की जो काबिलियत है उभर कर आ रही है, क्षेत्र लोग जो हैं इस तरह का मेहनत कर रहे हैं। बच्चे तो मेहनत कर ही रहे हैं लेकिन पेरेंट्स भी अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं इस क्षेत्र के प्रति कि स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे का आना होना ज़रूरी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कह सकते हैं आपकी गोल्ड वगैरह लाने के लिए, आप छोटे किसी खेल के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी फिटनेस के लिए भी ये सब चीज़ें सही हैं। जैसा कि AFI के जो जिला संघ पदाधिकारी इन्होंने बताया भी, सब आप एकेडमी के डायरेक्टर हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। हमारी जो बच्ची है रचना, इतने इतिहास रचा है और हम उम्मीद करते हैं कि देश के लिए भी इतिहास रचे। बच्ची में हुनर की कोई कमी नहीं है, इसी प्रकार बच्ची अगर जो हुनर दिखाती है तो हर बार कोई न कोई गोल्ड मेडल ज़रूर लेके आए। तो हम करते हैं कि पेरेंट्स से भी और जो मार्गदर्शक हैं जो हमारे AFI के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी जो टाइम से जो टाइम टेबल मिलता रहता है उस हिसाब से बच्चों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हमारे क्षेत्र में होनहार की कोई कमी नहीं है बच्चों में, लेकिन एक मार्गदर्शक मिल जाए तो हमारे बच्चा देश का नाम रोशन कर सकते हैं और हमारा क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि आपके सानिध्य में जी बिल्कुल, तो हमारे जैसे ये आपके साथ जो कोच आप काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर किस किस तरह के बच्चों को तैयारी करवाते हैं? हम जी आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, उसके अलावा जो हरियाणा की जो भी कोई भर्ती होती है उसके लिए हम फिजिकल के लिए, साथ साथ जो बच्चा फिजिकल फिट रहता है वो ऑलरेडी मेडिकल के लिए, और उसके साथ साथ हमने जो पढ़ाई की तैयारी करते हैं ताकि बच्चा का रोटेशन है वो अपने पढ़ाई में भी जारी रहे और किसी प्रकार का मन भड़काव नहीं रहे, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, पढ़ाई वाला भी और जो फिजिकल वाला भी। और बच्चे फिट हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है और न ही कोई बीमारी रहती है। सबसे पहले तो बच्चे को सुबह उठने की जो आदत पड़ जाती है, जो सुबह 4 बजे 5 बजे ग्राउंड में उस जो खून पसीना बहता है उसका मेहनत का फल और ज़रूर मिलेगा बच्चे को, चाहे कोई भी हो, लेकिन घर से निकलना पड़ेगा और उसको मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा किसी को भी। तो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इस अकेडमी के अंदर कराई जाती हैं। हरियाणा लायंस अकेडमी जो डिफेंस अकेडमी है दोंगड़ा अहीर के अंदर है, यहाँ पर हम खड़े भी हैं और ख़ास तौर पर यह है कि रचना बिटिया का इन्होंने ही स्वागत किया है। अच्छे तरीके से DJ बजाकर अटेली मंडी से ये लेकर आए हैं दोंगड़ा अहीर तक, बहुत सारे युवा साथियों के साथ नाचते गाते और फूल मालाएँ और बहुत सारे स्वागत के अंदर, मतलब कि इन्होंने अच्छा खासा समय भी दिया है, सुबह से लगे हुए हैं, दोपहर के 2:30 बजने को आ गए हैं। एक अच्छा प्रयास युवाओं के साथ इस तरह का जोश देखने को मिला। अच्छा, अभी तक तो जो बातें करी हमने रचना जो बहन है हमारी उसके अचीवमेंट्स की करी, साथ में जो दूसरे साथी जो खड़े हैं पदाधिकारी वगैरह इन सभी से करी, रचना के पिताजी से करी, लेकिन अभी यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग भी। मैंने अभी जैसे मैं यहाँ पहले पहुँच ही गया था तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक दो शख्सियत ने स्पेशल नकद इनाम भी दिया है रचना को, तो उनसे बातचीत करेंगे वो जो आप टूर्नामेंट करवाते हैं यंग फार्मर क्लब की तरफ। जी जी सर, आपने बच्चे को इनाम दिया मोटिवेशन सर। नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताएं, हम दोंगड़ा अहीर से यंग फार्मर क्लब पहले भी गेम करवाते रहे हैं जी, और बच्चों की इस रुचि बढ़ाने के लिए गेमों की तरफ अब की बार पीछे भी हमने सभी गेम करवाए थे और अच्छा इनाम टूर्नामेंट पर रखा था, बच्चों को इस तरह रुचि बढ़े। मैं कवरेज कर गया था और सीताराम जी आए थे। हाँ। दूसरी बात, आज जो बच्ची रचना ने जो इतिहास रचा है ना, हम तो ये उम्मीद रखते हैं आगे भी इतिहास रचे और हमारे इलाके का और का नाम रोशन करें, जिससे हमें तो कह रहे बच्चे इधर इसकी प्रेरणा से बच्चों को और रुचि बढ़ेगी गेमों की तरफ। सही बात। और हम इस प्रकार से यंग फार्मर क्लब्स के हर साल टूर्नामेंट हमारे आदरणीय एमलाल मेमोरियल होते थे, वो भी नेशनल प्लेयर थे और उनके नाम से ही टूर्नामेंट करवाते हैं और अब की बार भी करवाए थे, हर साल ही करवाते हैं जी। तो हम आगे प्रेरणा इन बच्चे की तरफ से और सभी को प्रेरणा मिलेगी, इस यहाँ आने पर हमारे गांव का नाम भी रोशन हुआ है और हम तो चाहें इस बच्ची को सम्मानित किया है और आगे भी सम्मानित करें। नमस्कार। अच्छा, एक विशेष बात, जैसा कि यहाँ पर अमीलाल के नाम से जो खेल स्टेडियम के अंदर जो प्रतियोगिता हुई थी दोंगड़ा अहीर, जो अपना एक ज़िले का बहुत बड़ा गांव है, अपने आप में तहसील उप तहसील जैसी डिमांड रखता है, इस तरह की डिमांड्स के साथ और साथ में टूटे हुए रोड की जो अटेली रोड महेंद्रगढ़ रोड है इसकी डिमांड के साथ हमने क्षेत्रीय विधायक सीताराम जी से भी सवाल जवाब किए थे, साथ में उस खेल की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई थी उसकी कवरेज भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी विशेष जी जी जी। अच्छा, एक फौजी भाई और थे जिन्होंने मतलब कि थोड़ा सा
मोटिवेट किया था। नमस्कार, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर मैं जम्मू किश्तवाड़, डोडा किश्तवाड़। अच्छा, 11 आर आर। यहाँ से कहाँ से? मैं सर गांव पृथ्वीपुरा से, छोटा बड़ा अच्छा, भाई अपना। अच्छा, आपके बड़े भाई। ठीक सर। अच्छा आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम सर प्रदीप यादव। प्रदीप जी, प्रदीप जी आप मतलब कि जैसे रचना को आपने प्राइज दिया सर, किस तरह का मोटिवेशन आपको मिला कि आपने कैसे प्राइज दिया? सर मैंने इसलिए किया है कि सर मेरे को भाई ने फ़ोन किया था, एक अपने डिस्ट्रिक्ट के एक लड़की है रचना यादव, तो वो मतलब कि मेडल जीत का यार ओमान के लिए गई है, तो बोला भाई तेरे को आना पड़ेगा, तो मैं बोला ठीक है भाई मैं आऊँगा। तो मैंने सोचा क्योंकि सर मैं भी पहले स्पोर्ट्स खेलता था, मैं यही पूछवाना चाह रहा था आपसे कि भाई क्योंकि मैं कुश्ती का प्लेयर था जी, तो सर मेरे को कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था क्योंकि मैं 2000 से कुश्ती खेलता था और मैंने कॉलेज में भी 800 मीटर 5 किलोमीटर में फर्स्ट लिया था। उसके बाद सर मैं जब देखा कि कोई मतलब कि है नहीं आगे ऑप्शन, तो मैंने आर्मी का तैयारी किया और सर उसमें लग गया। तो सर मैं अपनी बहन को यही बोलना चाहता हूँ कि ये बढ़िया अपने उसमें प्रोग्रेस दिखाए और अच्छा खेल मैडम से। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्रदीप जी और सभी साथियों ने काफ़ी अच्छे तरीके से रचना जो है इसका सम्मान भी किया है। बाकी एक छोटी मोटी जो कमियां थी वो कमियां अब हम AFI जिला संघ पदाधिकारी जो हैं इनको हम सौंपेंगे, प्रदीप यादव जी को, कि जैसे वो भाई साहब रह गए फिर उन्होंने लाइन चेंज कर ली, अब ये भी किसी कारणवश से इनाम नहीं ले पर आए थे, कुछ भी था आगे, जैसे आपने रचना को गाइड किया है आपके मार्गदर्शन में इसने ये अचीवमेंट हासिल करी है, तो आप सिर्फ यही नहीं जो हमारे दर्शक उनमें से भी अगर कोई आपके पास पहुँचे तो आप अवश्य ही उनको सक्सेस के लिए प्रेरित करें। सर जरूर, क्योंकि ये मेरा दायित्व है, मैं जिला महेंद्रगढ़ का निवासी हूँ और जिला महेंद्रगढ़ के जो एथलेटिक्स की जो मुझे हरियाणा एथलेटिक्स ने मेरे कंधों पे जो भार दिया हुआ है मैं उसको बहुत अच्छे बखूबी से निभाऊंगा कि मेरे ज़िले का नाम रोशन हो उसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे और रचना को अनेकों बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत और आप लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और इनको एक मोटिवेशन भी आगे आशीर्वाद भी कि आगे भविष्य में अच्छा खेल में प्रदर्शन करके हमारे क्षेत्र के लिए नहीं पूरे देश के लिए गोल्ड लेकर आएंगी और देश का नाम रोशन करेगी। बेटी रचना आगे बढ़ो, पूरा जिला आपके साथ है। बेटी रचना आगे बढ़ो, पूरा जिला आपके साथ है। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी जगह पर या किसी शख्सियत के साथ। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।